नमस्कार, लोकनौत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल। हमारे साथ हैं आज चांदनी चौक से दिल्ली कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल। आज उनसे हम चुनावी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल, आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में अजय माकन का इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी साथ होती तो सातों सीट पर जीत हासिल करते, वैसा हो नहीं पाएगा। तो इस बयान को कैसे, क्या पहले से? देखिए, मैं मेरे कोलीग हैं, मैं उनकी बात पर क्यों कमेंट करूँगा। मेरी अपनी राय है और मैंने पहले अपनी राय कांग्रेस कमेटी में जब मीटिंग हुई थी जब दे दी। मैं इस ये चुनाव का दौर शुरू हो गया, अभी इस बहस में पढ़ने का कोई मतलब। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, 10 दिन ही मात्र समय बचा है, उसके बावजूद अगर अजय माकन नहीं दिल्ली सीट से प्रत्याशी हैं, सबका जवाब तो वो देंगे ना, मैं तो अपना जवाब दूंगा जी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। जैसे 2004 के चुनाव में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 50% से ज़्यादा था, 2009 में भी रहा था, लेकिन 2014 में वो घट के 17% पे आ गया था। तो इसको कैसे कवर करेंगे, इस 2019 के लिए ये वोट कहाँ से आएगा? कांग्रेस हमेशा नीति और कार्यक्रम पे चलती है, एक विज़न है कांग्रेस का जो उसने हमेशा देश को दिया है। कोई भी चुनाव आखिरी चुनाव नहीं होता किसी भी पार्टी के लिए जी। ये प्रतिशत घटते और बढ़ते रहते हैं, सीटें घटती और बढ़ती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में 2 सीट पे आ गई थी और उसका नतीजा क्या निकला, आज उनकी सरकार है। तो ये मत समझिए कि अगर कहीं कोई चीज़ रुक गई तो फिर वहीं रुक गई, उसके बाद तो कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा बेहतर सोचते हैं बनिस्पत औरों। एक सवाल है कि सर, काफ़ी रस्साकसी चली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में और प्रत्याशी देने में लेट हुआ है, तो चांदनी चौक में ही 10 विधानसभा सीटें हैं, तो आप अभी तक कहाँ कहाँ पहुँच पाए हैं और सर, कैसे पहुँचेंगे? सर, इनमें से कौन सा नया है? क्या मैं नया हूँ? क्या आप नहीं, नहीं है, लेकिन लोगों के पास दोबारा जाना होगा ना। ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष था और उस दौरान मैंने हर असेंबली में पैदल यात्रा करी थी जी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मेरा बड़ा खूबसूरत नेटवर्क था और लोगों से कनेक्ट था। हमने इतने चुनाव लड़े, मेरे शायद जब मैं अध्यक्ष था तो 3 चुनाव तो मेरे सामने हुए अलग अलग, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम दिल्ली में काम करते हैं भाई, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो हम में से कोई भी आदमी नया नहीं है दिल्ली वालों के लिए। अच्छा, एक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन 2013 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, अभी केंद्रीय मंत्री में भी हैं, तो कितना टफ मुकाबला है आपका? उन्होंने ऐसा क्या किया जो टफ कर दिया मुकाबला? नहीं, एक बड़े चेहरे तो हैं, बस इतना काफ़ी है बड़ा चेहरा होना। तो किसी आदमी की तस्वीर का चेहरा और बड़ा कर दो तो और बड़ा आदमी हो जाएगा वो। मैं ये जानना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री रहते हुए वो उन्होंने चांदनी चौक को रिप्रेजेंट करते थे, तो उसके लिए क्या करा उन्होंने? क्या सीलिंग पे बोले, क्या नोटबंदी पे बोले, क्या GST के खिलाफ बोले वो, क्या व्यापारियों के समर्थन में खड़े हुए, क्या जो अलग अलग कॉलोनियों और उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए कहीं उनकी आवाज़ किसी ने सुनी? जो गांव उन्होंने गोद लिया था वो आज भी उनकी गोदी में ही, उतरा ही नहीं उसमें से नीचे। और क्या वो नया प्रोजेक्ट को विज़न के साथ लाए? अगर इनमें से कोई भी काम उन्होंने निकाला तो बड़ा चेहरा बहुत छोटा रह गया। अच्छा, एक है कि कांग्रेस युवा चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है, युवा राहुल गांधी, युवा प्रियंका गांधी, लेकिन दिल्ली में जो टिकट देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पुराने दिग्गजों पर दाव लगाया गया है। उम्र से ही आदमी युवा होता है या बूढ़ा होता है? नहीं, बीजेपी ने 75 पार के टिकट को काट दिया, 75 पार वालों को। वो तो सियासी मार काट है वो जी। अब वो अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। आपने अडवाणी जी का हाल देखा, कितना बुरा करते हैं वो, कितनी बेइज्जती उनकी करी। क्या कांग्रेस में ऐसे करते हैं लोग? हम तो नहीं करते भाई, हम तो जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उनके पैर छूते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और कांग्रेस में कभी किसी नेता की इस तरह दुर्गति नहीं हुई जैसे उन्होंने अपने बराबर के कोलीग्स या अपने से बड़ों की किए। मुरली मनोहर जोशी देख लो, यशवंत सिन्हा देख लो, अरुण शौरी देख लो, शत्रुघ्न सिन्हा देख लो, देख कितने आदमियों को उनको धारेशाही कर दिया उन्होंने। हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी JP अग्रवाल।